हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे गो बैक एन एआरक्यू प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है। सो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता था कि जो सेंडिंग विंडो साइज़ है और जो रिसीविंग विंडो साइज़ है दोनों का साइज़ 1 होता है। डैट मीन्स कि जब सेंडर एक फ्रेम को सेंड करेगा तो वो एक्नॉलेजमेंट की वेट करेगा रिसीविंग साइड से। जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके बाद वो अपना जो स्लाइडिंग विंडो है, जो उसका विंडो का साइज़ है, उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी स्टॉप एंड वेट की, कि उसमें एफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि जो स्लाइडिंग विंडो का साइज़ होता है वो 1 होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं गो बैक एन एआरक्यू प्रोटोकॉल। नाउ इन गो बैक एन एआरक्यू प्रोटोकॉल सेवरल फ्रेम्स कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। सो इसका मतलब आप बहुत सारे फ्रेम्स को सेंड कर सकते हो बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो सेंडिंग साइड होती है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो इसमें एन की वैल्यू है वो हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं और एन के एन सेंडिंग विंडो का साइज है। इसका मतलब जो विंडो साइज होगा, जो सेंटर साइड का विंडो साइज होगा, वो 1 से ज़्यादा होगा और जो रिसीवर विंडो साइज होता है वो 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंडिंग साइड की विंडो है उसका साइज 1 से ज़्यादा होता है बट जो रिसीविंग साइड की विंडो है उसका 1 होता है। अब देखो ये काम करता कैसे है। नाउ इन दिस मेथड इफ 1 फ्रेम इज लॉस्ट और डैमेज्ड देन ऑल द फ्रेम सेंट सिंस द लास्ट फ्रेम एक्नॉलेजमेंट आर रीट्रांसमिटेड। तो सपोज कीजिए अगर आपने फ्रेम नंबर 1, 2, 3 और 4 भेजे तो एक एक करके एक्नॉलेजमेंट आएगी क्योंकि रिसीविंग साइड पे कितना विंडो साइज 1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, 2 की आ गई, बट 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। तो क्या होगा, जो सेंडिंग साइड होगा वो जो लास्ट फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट थी उसके बाद से सारे फ्रेम्स को दोबारा रीट्रांसमिट करेगा, यानी 3 और 4 दोबारा से रीट्रांसमिट होंगे। तो इसलिए इसका नाम हम बोलते हैं गो बैक एन एआरक्यू। गो बैक मतलब जहाँ पे आपकी लास्ट एक्नॉलेजमेंट आई है वहाँ पे वापस जाना, गो बैक, और उसके बाद के सारे फ्रेम्स को दोबारा से रीट्रांसमिट करना। सो दैट इज गो बैक एन एआरक्यू। सो अब देखते हैं इसका एक नॉर्मल ऑपरेशन जिसमें एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस्ट हो जाएगी तो क्या होगा। तो सेंडर और रिसीवर दो साइड्स होती हैं, सेंडर है देन रिसीवर, अब फ्रेम्स हमें सेंड करने हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो फ्रेम नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 सेंड होने। अब क्योंकि जब हम फ्रेमिंग की बात करते हैं, डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं, तो रिसीवर साइड पे भी ये फ्रेम्स इसी ऑर्डर में अराइव होने चाहिए तभी वो सिंक्रोनस रहते हैं। तो इसका मतलब है कि रिसीवर क्या एक्सपेक्ट करेगा, पहले फ्रेम नंबर 0, उसके बाद 1, 2, 3 और 4। ऑर्डर यही होना चाहिए रिसीविंग साइड पे भी। अब देखो क्या होता है, फ्रेम नंबर 0 भेजा, अब ये वेट नहीं करेगा कि इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो दूसरा भेजूंगा जो कि स्टॉप एंड वेट में था। इसने एक और फ्रेम भेज दिया फ्रेम नंबर 1, इसने एक और फ्रेम भेज दिया फ्रेम नंबर 2। जितना आपका विंडो का साइज होगा उतने फ्रेम से भेज सकता है। इसने एक और फ्रेम भेज दिया फ्रेम नंबर 3 एंड इट ऑल्सो सेंड्स फ्रेम नंबर 4। मतलब इसने 5 के 5 फ्रेम्स रिसीवर के पास भेज दिए बिफोर विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब क्या होता है, फ्रेम नंबर 0 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, लेट से फ्रेम नंबर 0 की एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर फ्रेम 0, तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फ्रेम नंबर 1 की भी आ जाती है, फ्रेम नंबर 1 की भी आ जाती है, और जो फ्रेम नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट है, फ्रेम नंबर 2 की जो एक्नॉलेजमेंट है वो कहीं पे लॉस्ट हो जाती है। मतलब फ्रेम नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट
सेंडिंग साइड को नहीं पता लग रही कि फ्रेम नंबर टू पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। अब हर फ्रेम के साथ एक टाइमर अटैच होता है जो उस पर्टिकुलर टाइम तक वेट करता है और उसके बाद दोबारा से वो डिसाइड करता है कि कहाँ से मुझे रीट्रांसमिट करना है। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रेम नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 और हर एक का अपना एक टाइमर है। सो आफ्टर वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम सेंडिंग साइड क्या देखेगा कि जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट मिली थी वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 की थी। सो उसके बाद वो क्या करेगा, दोबारा से फ्रेम नंबर 2 से लेके बाकी सारे फ्रेम्स को सेंड करना शुरू कर देगा। क्लियर? सो आफ्टर दिस इट अगेन स्टार्ट सेंडिंग फ्रॉम फ्रेम नंबर 2, दिस इज फ्रेम नंबर 2, 3 एंड 4। सो इस तरह से गो बैक एंड ए आर क्यू। अब इसमें गो बैक एंड ए आर क्यू कैसे हुआ कि जो सेंडिंग साइड था वो 4 तक था बट इट वेंट टू दिस पोजिशन, इट गोज बैक टू दिस पोजिशन एंड अगेन सेंड्स दिस नंबर ऑफ फ्रेम्स। क्लियर? सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज गो बैक एंड ए आर क्यू। अब इस पॉइंट पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है दैट दिस फ्रेम नंबर 3 एंड 4 दे आर डिस्कार्डेड, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि इनको दोबारा से भेजा गया है। सो दिस इज द केस जब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ डाटा फ्रेम लॉस्ट और डाटा फ्रेम गेट्स डैमेज। सो अगेन सेंडर और एक रिसीवर बनाते हैं, और मुझे फ्रेम्स ऐसे ही भेजने हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो फ्रेम नंबर 0 गया, फ्रेम नंबर 1 गया। ऑर्डर आपको इसमें ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4, तभी आपका सिंक्रोनाइज रहेगा। 0 गया, 1 गया, कोई इशू नहीं है। फ्रेम नंबर 2 लॉस्ट हो गया, सो इट गेट्स लॉस्ट। अभी इतना ही रखते हैं, देन फ्रेम नंबर 3 गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सिंस इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम नंबर 0 से तो एक्नॉलेजमेंट आएगी, सो सपोज एक्नॉलेजमेंट आ गई 0 से, सिमिलरली एक्नॉलेजमेंट आ गई 1 से, बट फ्रेम नंबर 2 लॉस्ट हो गया। अब फ्रेम नंबर 2 जब लॉस्ट हो गया उस वक्त तक कौन कौन से रिसीव हो चुके थे, 0 और 1, एक्सपेक्ट कर रहा था 2 बट मिला क्या 3, क्योंकि 2 तो लॉस्ट हो गया। तो ये जब ऑर्डर में नहीं है इसका मतलब दिस फ्रेम विल ऑल्सो गेट डिस्कार्डेड, रिसीवर इस वाले फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 2 और मिला उसको क्या 3, सो इसको वो डिस्कार्ड कर देगा। और डिस्कार्ड करने के टाइम वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, लेट से NAK2, दैट मीन्स कि जो सेकेंड फ्रेम था वो नहीं मिला है। तो उस केस में अब क्या होगा, अब कहाँ से फ्रेम सेंड होना शुरू होंगे दोबारा से, सो दोबारा से फ्रेम सेंड होना शुरू होंगे फ्रेम नंबर 2 से, 2, 3 एंड सो ऑन। सो दैट इज द केस व्हेन डाटा फ्रेम गेट्स लॉस्ट और डैमेज। तो ये तो लॉस्ट वाला था, अब इसी में ही एक डैमेज वाला भी आप कंसेप्ट देख सकते हो कि सपोज फ्रेम नंबर 1 डैमेज था, जब फ्रेम नंबर 1 डैमेज होगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर फ्रेम नंबर 1 हमारा डैमेज्ड है, इफ फ्रेम नंबर 1 इज डैमेज्ड इट इज ऑल्सो डिस्कार्डेड, उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। और उस केस में, क्या होगा, अगर इसको डिस्कार्ड करेगा तो क्या होगा, वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा NAK1 या, ठीक है, दैट मीन्स कि जो फ्रेम नंबर 1 था वो आपका खराब था या NAK0,
दैट मीन्स कि हमने जीरो तक के एक्नॉलेजमेंट मिली है, वन फ्रेम खराब था, तो वो वन से दोबारा से सारे फ्रेम्स को सेंड करना शुरू कर देगा. सो दिस इज द दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ गो बैक एंड ए आर क्यू. अब अगर आप स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू और गो बैक एंड ए आर क्यू को देखोगे तो आप देख सकते हो कि स्टॉप एंड वेट इज अ स्पेशल केस ऑफ गो बैक एंड ए आर क्यू. दैट इज अ स्पेशल केस वेयर साइज ऑफ सेंड विंडो इज वन. रिसीविंग विंडो का साइज तो गो बैक एंड में भी वन है. अगर गो बैक एंड में मैं कहता हूँ कि सेंडिंग साइज का विंडो भी वन साइज का है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू ही है. सो दिस इज अबाउट द गो बैक एंड ए आर क्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.